प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुग्राम के केएमपी और मेट्रो के साथ साथ विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी का भी शिलान्यास किया। सत्यमेव जयते की अवधारणा पर आधारित इस कौशल विश्वविद्यालय का नाम पहले हरियाणा विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी रखा गया था, जिसे बदलकर अब श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कर दिया गया। ये विश्वविद्यालय युवाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करेगा, जो गरीबी उन्मूलन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। ये विश्वविद्यालय गांव दुधौला में बनेगा। इसका कैंपस 82.7 एकड़ भूमि में विकसित किया जाएगा। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के जरिए यहाँ के युवाओं को नई ताकत मिलेगी। भाइयों और बहनों, आज का ये अवसर दो तस्वीरों को याद करने का अवसर है। उम्मीद है कि कौशल के देवता भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से इस विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए भविष्य की राह और आसान होगी। भाइयों और बहनों, आज हरियाणा निर्यात करने के मामले में देश में अग्रणी राज्यों में है। इस विश्वविद्यालय के कैंपस बिल्डिंग के निर्माण के लिए इसी साल 389.24 करोड़ रुपए का टेंडर भी दिया जा चुका है। इस यूनिवर्सिटी का निर्माण तीन चरणों में कराया जाएगा। पहला चरण साल 2020 तक पूरा हो जाएगा। इस यूनिवर्सिटी के प्रस्तावित परिसर में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अलावा ऑडिटोरियम और कन्वेंशन सेंटर, कैफेटेरिया, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग रेजिडेंशियल एरिया, लड़कों और लड़कियों के लिए दो अलग अलग हॉस्टल्स, शॉपिंग सेंटर, हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी सेंटर, स्टेडियम, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, फीडर स्कूल एंड कॉमन फैसिलिटीज आदि बनाए जाने की योजना है। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज़।